कोरोना काल में जहां एक ओर मरीजों को ढंग से इलाज नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उज्जैन में कोरोना मरीज के साथ लूट की घटना सामने आई है। मामले में मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद जेवर चोरी होने की बात का खुलासा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के बाद उसके बदन से जेवरात चुरा लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में कोरोना का उपचार करवा रही रामपुरा नीमच की महिला की मृत्यु के बाद जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला के बेटे प्रतीक खंडुजा ने चिमनगंज थाने पहुंचकर गहने चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अंकित ने बताया कि कोरोना के लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाया गया था कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 25 अगस्त को उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इसी बीच 2 सितंबर की रात को महिला की मौत हो गई। गुरुवार को मौत की सूचना मिली तो परिजन उज्जैन आए। यहां अस्पताल से जब शव लिया तो उनके शरीर से जेवरात गायब थे। भतीजे खंडूजा के अनुसार चोरी हुए जेवरात का वजन 6 तोला है। परिजनों ने चिमनगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 7 बजे के आसपास मेरे पास फोन आता है कि मेरी माताजी नहीं रही, और हम लोगों को यहाँ आने के लिए बोला कि आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार यहीं हो जाएगा। मैं, मेरे पिताजी, मेरा भाई, हम सब पूरा आधा परिवार यहाँ पे आए गाड़ी लेके, और जब उन्होंने सामान हमारा सुपुर्द करा, मम्मी का बैग था, उसमें जो भी चार्जर मोबाइल वगैरह सारे सामान थे, उसमें 2 चीजें मिसिंग निकली सर। एक सोने की 2 चूड़ियां थी उनके दोनों हाथों में, और एक सोने की अंगूठी थी उंगली में। ये 2 चीज मिसिंग है जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ थाने पे देने। मामले में पुलिस का कहना है कि मृतका के गहने चोरी होने का मामला सामने आया, इसकी जांच की जा रही है। महिला का शाम को उज्जैन में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। फरियादी प्रतीक खंडूजा ने आगे सूचना दी थी कि उनकी माता मृतक ज्योति पति नंद किशोर, उनको कोरोना डिटेक्ट हुआ था, जिसके कारण नीमच से लाकर उन्हें आरडी गार्डी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आज सुबह आरडी गार्डी हॉस्पिटल से फरियादी के पास फ़ोन आया था कि उनकी माता का देहांत हो गया है। इस पर वो लोग जब बॉडी लेने के लिए गए तो उनको एक थैला दिया गया जिसके अंदर मृतिका का सामान था, लेकिन मृतिका के हाथ में पहनी हुई 2 सोने की चूड़ी और अंगूठी नहीं मिली है, जिसके कारण इन्होंने आकर रिपोर्ट लिखाई है, चोरी की रिपोर्ट लिखाई है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।